Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. We all love long hair, don't we? मुझे भी long hair काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन long hair manage करना, उसका take care करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है. हेयर ब्रेकेज, वीक हेयर स्ट्रैंड्स, स्प्लिट एंड्स, इन सब की वजह से लॉन्ग हेयर को ट्रिम करना पड़ता है और लॉन्ग हेयर काफी ज्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है. सो आई टू लव लॉन्ग हेयर, लेकिन मुझे अपने हेयर स्टाइलिस्ट को हमेशा बोलना पड़ता है कि ट्रिम माई हेयर, क्योंकि लॉन्ग हेयर मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सन एक्सपोजर, डस्ट की वजह से, और फिर यू नो दो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स जो हम लोग हेयर पर इस्तेमाल करते हैं, तो काफी ज्यादा हेयर ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम होती है एंड अनमैनेजेबल हेयर होते हैं. सो आई ऑलवेज हैव टू आस्क माई स्टाइलिस्ट टू ट्रिम माई हेयर, जिससे कि लॉन्ग हेयर शॉर्ट हो जाते हैं इवेंचुअली, बट नाउ आई एम नो मोर वरीड अबाउट दैट. अभी मैं घर पे इस्तेमाल करती हूँ एक प्रोफेशनल हेयर केयर रेंज. सो रिसेंटली आई यूज प्रोफेशनल मैट्रिक्स ऑप्टीलॉन्ग रेंज, जिसमें एक शैम्पू मिलेगा आपको, एक कंडीशनर एंड देन एक लीव इन क्रीम. सो ये जो एंटायर रेंज है इसमें सेरामाइड्स है. सो सेरामाइड्स आर रियली गुड, क्योंकि वो हमारे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को हेल्प करता है रिड्यूस करने में, हेयर को काफी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेयर को काफी ज्यादा हेल्दी बनाता है. सो दिस प्रोफेशनल रेंज इज सो सिंपल टू यूज, इसमें जस्ट 3 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज टू क्लेंस विथ प्रोफेशनल मैट्रिक्स ऑप्टीलॉन्ग नरिशिंग शैम्पू, एंड दिस शैम्पू इज वेरी माइल्ड और इसका टेक्सचर भी मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड एक क्रीमी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है इसका, एंड इट जस्ट क्लीन्स योर स्कैल्प प्रॉपरली, योर हेयर लेंथ प्रॉपरली. सो लॉन्ग हेयर के लिए ये रेंज बहुत ही अच्छा है. एंड ये जो शैम्पू है ना, ये जो गंक, जो डर्ट है, इंप्यूरिटीज है, ऑयलीनेस है आपके स्कैल्प से, आपके हेयर से, उसे बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है एंड हेयर को काफी ज्यादा क्लीन रखता है. सो आई पर्सनली लव यूजिंग दिस शैम्पू, एंड इसे इस्तेमाल करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से हेयर को एंड स्कैल्प को क्लीन करता है, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता. सो आपके हेयर बिल्कुल भी ऐसे नहीं फील होगा कि बहुत ज्यादा फ्रीजी या ड्राई हो गया है. सो दैट्स व्हाई मुझे ये इस्तेमाल करना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू माई हेयर फील्स रियली सॉफ्ट, क्लीन एंड हेल्दी. सो जस्ट आपको इसे सफिशियंट अमाउंट में लेना है एंड डैम्प हेयर पर इसे मसाज करना है, अपने स्कैल्प पर, अपने होल हेयर लेंथ पर, एंड जस्ट लीव इट फॉर अराउंड 30 seconds एंड देन रिंस विद नॉर्मल वाटर. स्टेप 2 इज टू नरिश, एंड आपको इस्तेमाल करना है प्रोफेशनल नरिशिंग कंडीशनर. सो ये जो कंडीशनर है ना, ये काफी ज्यादा नरिशिंग है, बहुत ज्यादा क्रीमी है, एंड इट जस्ट मेक्स माई हेयर सो सॉफ्ट, सो मैनेजेबल. यू ऑल कैन सी माई हेयर फील्स रियली सॉफ्ट. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है देन यू नो दिस प्रॉपरली, माई हेयर इज सो फ्रिजी, सो ड्राई, लेकिन ये कंडीशनर काफी अच्छी तरीके से हेयर को मैनेजेबल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सो टेक सफिशियंट अमाउंट ऑफ दिस कंडीशनर आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर, एंड देन आपको इसे वेट हेयर पर अप्लाई करना है. सिर्फ अपने एंड्स पर अप्लाई कीजिए, फोकस कीजिए, स्कैल्प पर बिल्कुल भी कंडीशनर को अप्लाई मत कीजिए, एंड लीव इट ऑन फॉर अराउंड 2 minutes एंड देन वॉश ऑफ विद नॉर्मल वाटर. थर्ड स्टेप इज टू प्रोटेक्ट योर हेयर यूजिंग द प्रोफेशनल नरिशिंग लीव इन क्रीम, एंड दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम दिस एंटायर रेंज. सो दिस इज रियली गुड टू कंट्रोल फ्रिजीनेस ऑन योर हेयर, और स्प्लिट एंड डैमेज से भी ये काफी अच्छी तरीके से आपको प्रोटेक्शन देता है. सो लेट मी शो यू वेरी क्विकली हाउ टू अप्लाई दिस. रब अ स्मॉल अमाउंट इन टू हैंड्स एंड अप्लाई टू टॉवल ड्राइड हेयर एंड देन स्टाइल एज रिक्वायर्ड. After using this leave-in cream, you will feel the softness on your hair. काफी ज्यादा hair manageable, soft and silky हो जाते हैं, and split and damage से भी ये काफी अच्छा protection देगा आपको. So I love this one. सो मैं इस एंटायर रेंज को काफी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आई हैव नोटिस्ड अ चेंज ऑन माई हेयर टेक्स्चर, ऑन माई हेयर क्वालिटी, क्योंकि हेयर अभी काफी ज्यादा नरिश्ड हो गए हैं, हेल्दी हो गए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्प्लिट एंड डैमेज थे ना मेरे, काफी ज्यादा स्प्लिट एंड डैमेज थे, उसे वो भी काफी हद तक रिड्यूस हुए हैं. सो आई एम लविंग दिस एंटायर रेंज. एंड शैम्पू इज प्राइस्ड एट 500 रुपीज फॉर 350 ml, द कंडीशनर इज प्राइस्ड एट 470 रुपीज फॉर 196 grams, एंड द लीव इन क्रीम रिटेल्स फॉर 445 रुपीज फॉर 98 ml. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. सो या स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.